दोस्तों, इस वीडियो में आप बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को जानोगे जो आपको जीवन में प्रयास करने के लिए अभी प्रेरित करेगा। तो दोस्तों, इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनना। एक व्यक्ति अपनी हाथी की मदद से चल रहे थे और उसने देखा कि हाथियों को पिंजरों में नहीं रखा जा रहा। वह हाथी के पैरों में बंधी रस्सी का एक छोटा सा टुकड़ा था। जैसे ही वह व्यक्ति उस हाथी पर ध्यान दिया, वह पूरी तरह से उलझन में पड़ गया कि हाथियों ने रस्सी को तोड़ने और शिविर से बचने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। वे आसानी से ऐसा कर सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। वह व्यक्ति उस जवाब को जानने के लिए उन्होंने पास के एक ट्रेनर से पूछा कि हाथी सिर्फ वहाँ क्यों खड़े हैं और कभी भागने की कोशिश क्यों नहीं की। तो ट्रेनर ने जवाब दिया, जब वे बहुत छोटे होते हैं तो हम उन्हें बांधने के लिए एक ही आकार की रस्सी का उपयोग करते हैं और उस उम्र में उन्हें धारण करने के लिए पर्याप्त होता है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, उन्हें विश्वास होता है कि वे टूट नहीं सकते। उनका मानना है कि रस्सी अभी भी उन्हें पकड़ सकती है, इसलिए वे कभी रस्सी को तोड़ने की कोशिश नहीं करते। हाथियों के मुक्त होने और शिविर से भागने का एकमात्र कारण यह नहीं था, समय के साथ साथ उन्होंने यह विश्वास अपनाया यह संभव नहीं था। तो इस कहानी से हमें दो बातें सीखने को मिलती है। पहली, कि किसी बच्चे को छोटे से ही ज्ञान इतना दो कि उसे हर कार्य में सफलता मिले। आपने विष्णु पुराण में देखा होगा कि हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद को नारद मुनि किस तरह से ज्ञान देते गए, उनका आत्मशक्ति को बढ़ावा देते गए। जैसे जैसे प्रहलाद को ज्ञान हुआ, वैसे वैसे उनकी आत्मविश्वास बढ़ते गए। तो बच्चों को उस समय शिक्षा दो जो काम आए। और दूसरी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपको वापस पकड़ने की कितनी कोशिश करती हो, हमेशा इस विश्वास के साथ जारी रखें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तब आपको कोई बंधन रोक नहीं सकता, चाहे वह रस्सी की हो या चैन की। बस आपको खुद पर विश्वास करना है और जी जान से उसे हासिल करना है। यह मानना है कि आप सफल हो सकते हैं, वास्तव में इसे प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का ताज़ा अपडेट मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।